लीजिए ना, लीजिए। लो मिठाई आ गया, लाओ इधर। बहू जरा शरबत लिया। लीजिए लीजिए ना, हमारी आसी बनाई है सब कुछ। अच्छा हाँ। बड़ी सुशील लड़की है, एक सुगढ़ बहू बनने का सारा लक्षण है उमे। सिलाई कढ़ाई में तो सर बता गया। रखो रखो। अरे ताईमा, आप समोसे के साथ चटनी नहीं ले आई? बहू जरा चटनी लेके आओ तो। सिलाई कढ़ाई में तो लड़की को बुला दीजिए ना, हम लोग जरा जल्दी में हैं, टाइम नहीं है। वैसे हम पूछना चाहते थे कि अजय जी कहाँ तक पढ़े हैं? जी वो पहले लड़की को तो बुला दीजिए, हम लोग उसे देख लें, बाकी की बातें बाद में होंगी। जी जी जैसा आप चाहे। लो आ गई आसी। माफ़ करो। हर बार लड़का वाला के सामने ऐसा बेढंगा कपड़ा पहनोगी तो ई जन्म में तुमरा शादी होए वाला नहीं आसी, समझे? कहे नहीं पहनी, इतनी बड़ी हो गई लेकिन न बात करने का ढंग है न पहनने ओढ़ने का। हर बार ऐसा ही होता है, पूरा गांव में हमरा परिवार का बदनामी करने का ठान ली होगा तुम। इतना बढ़ चढ़ के बात करने का जरूरत था? जो पूछा गया है उसका जवाब नहीं दे सकती थी? तुम्हारी हरकतें देख के लड़का उखड़ गया और चला गया। उन्होंने कहा था कि उन लोगों को कोई जरूरी काम है, हो सकता है वो काम के लिए चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, इससे घबरा कर चले गए वो लोग। पर मैंने ऐसा क्या किया था? बस उठे और चल दिए। कहा कहा ना ना कहा उन लोगों ने, अब उनके फोन का रास्ता देखना पड़ेगा। एक जरूरी फोन है। लड्डू के भैया, अंगूर ये कुछ ज्यादा हो रहा है। लड्डू के भैया, बेबी तुमने लाइट क्यों ऑन कर दी यार? तुम यहाँ तो रजाई में कौन? कंबल के अंदर मैं हूँ सेठ जी। I like it. Ah, God. जो दुनिया में मेरी सबसे प्यारी चीज छीनने की कोशिश करेगा उसकी सारी दुनिया मैं खत्म कर दूंगी। उनका एक्सीडेंट हो गया था। अभी यही बताने आपको यहाँ लाए हैं ताकि अभीर मामा से मिल भी लो। पर तूने तो कहा था कि वो दिल्ली में है, वो आने वाला है। बाबा आ गए। पुलिस ने जरूर उस विजय से पैसे लिए होंगे। अभी जूनियर इंस्पेक्टर का फोन आया था, कोई कौशल है जिसके सीसीटीवी हैक होने के नाम पर वारंट निकाला गया है।
पर तू चिंता मत कर, मैं उस विजय को सजा दिलवा कर ही रहूंगा। आपने जो कुछ भी कहा है वही करूंगी। आपने जो रास्ता दिखाया है, साम दाम दंड भेद, उसी की नीति अपनाऊंगी और ये बड़ों को अपने घर की खुशियों से दूर रखूंगी। फिर उसके लिए मुझे चाहे कठोर से कठोर कदम उठाना पड़े, जो संभव कोशिश होगी मैं करूंगी।